हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू न्यू ब्रांड न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में बात करने वाले हाउ टू एडिट वीडियो ऑन कैपकट पीसी वर्जन। एंड गाइस, ये काफ़ी बेसिक सॉफ्टवेयर है जो कि फिल्मोरा का टक्कर देता है। एंड गाइस, इस सॉफ्टवेयर में लगभग आपको फ्री में फिल्मोरा जैसे सारे फीचर मिल जाएंगे। एंड कुछ फीचर ऐसे भी हैं जो कि फिल्मोरा से ज़्यादा भी अच्छे हैं। एंड गाइस, इस सॉफ्टवेयर से आप मार्वल जैसी मूवीज बड़ी आसानी से बना सकते हो। तो गाइस, कुछ क्लिप्स हमने शूट करी हैं जो कि हम एडिट करने वाले हैं कैपकट की मदद से। एंड लगभग आपको सारे फीचर एक्सप्लेन करेंगे कैपकट में जो आपको देखने को मिलते हैं। गाइस, चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और करते हैं वहां पर वीडियो एडिट। तो गाइस, सबसे पहले आपको कैपकट को डाउनलोड करना है। कैपकट को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर चले जाना है, वहां पर सर्च करना है कैपकट एंड इसको डाउनलोड कर लेना है, या फिर आप सीधा डायरेक्टली क्रोम पे जाके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड इसके बाद यहां पे देख सकते हो मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है। नीचे यहां पे आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट वगैरह देखने को मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली इंटरनेट कनेक्शन को इनेबल कर लेना है, क्योंकि इसमें इफेक्ट वगैरह जो है वो इंटरनेट कनेक्शन से ही आएंगे, तो इसको इनेबल कर लेना। उसके बाद आपको सिंपली साइन इन कर लेना है, जिससे आपको वाटरमार्क वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पे जो कैपकट एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे इंपोर्ट पे आपको जो भी आप एलिमेंट इंपोर्ट करना चाहते हो इंपोर्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद जितने भी एलिमेंट है यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप नीचे ला सकते हो अपने टाइमलाइन पे। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे स्केल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ से आप अपनी जो आपका एलिमेंट है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जिससे आप बड़ी आसानी से कट वगैरह लगा सकते हो। तो कट लगाने के लिए आपको सिंपली कंट्रोल बी प्रेस करना है, देन आपका जो कट है वो लग जाएगा। एंड इसके बाद हम यहाँ पे एक ट्रांजिशन यूज करने वाले हैं, तो ट्रांजिशन पे जाएंगे, आपको बहुत सारे ट्रांजिशन देखने को मिल जाएंगे, सभी को आप डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन इनेबल होना चाहिए। हाँ, एक बार डाउनलोड हो जाएंगे उसके बाद आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जब भी आप इसको यूज करेंगे तो ये जब लोड होंगे तभी आप इसका यूज कर पाएंगे, तो इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कुछ इस टाइप से यहाँ पे आप ला सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप करके, एंड साथ ही साथ ड्यूरेशन को भी आप सेट कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको एनिमेशन में आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे, इन एंड आउट दोनों भी देखने को मिल जाएंगे। तो इन में देख सकते हैं आप बहुत सारे एनिमेशन देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह में यूज होते हैं। तो गाइस, कुछ इस तरीके से आप ये जो इन एनिमेशन है उसका यूज कर सकते हो एंड अपने वीडियोज़ को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर आपको आउट एनिमेशन देखने को मिलेगा, जिसमें फेड आउट इफेक्ट एंड कई सारे आपको ट्रांजिशन देखने को मिल जाएंगे, आप इनको ये यूज कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे आपको कॉम्बो इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो कि पर्टिकुलर क्लिप पे मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक आप इसको लगा सकते हो, एंड ये काफ़ी सही देखने में लगता है। तो आप अपनी छोटी छोटी क्लिप्स में इसका यूज कर सकते हो एंड काफ़ी बढ़िया देखने में लगता है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे आपको टेक्स्ट वगैरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा, एंड टेक्स्ट में सबसे बढ़िया चीज़ इसमें आपको मोशन ट्रैकिंग का फीचर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे इफेक्ट वगैरह हैं जो टेक्स्ट को देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर आप ऐसे कोई टेक्स्ट बनाओगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एंड इससे अच्छा है कि आप इनका यूज कर लें। तो गाइस, इस टेक्स्ट जो मैंने इसको टेक्स्ट को उठा लिया है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके, एंड इस पर हम इसको मोशन ट्रैकिंग करने वाले हैं। ये फीचर इसमें काफ़ी ज़बरदस्त है, इसको उठा के स्टार्टिंग पे लगा लेंगे। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे आपको ट्रैकिंग का फीचर देखने को मिलेगा, एंड इसको आपको सिंपली यहाँ से जो है इसको एक ऑब्जेक्ट जो है उस पर मार्कअप कर लेना है, देन आपको ट्रैकिंग पे क्लिक कर देना है, एंड ये जो कुछ ही सेकेंड्स में है आपका जो ट्रैकिंग है वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो गाइस, देख सकते हैं कुछ इस टाइप से जो ट्रैकिंग इफेक्ट है वो देखने को मिलता है, काफ़ी सही, काफ़ी स्टेबल देखने को मिलता है। तो आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है इस टेक्स्ट के साथ ट्रैक करा सकते हैं, या फिर कोई भी एलिमेंट हो उसके साथ ट्रैक करा सकते हैं, तो काफ़ी सही फीचर। इसके साथ साथ यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह जो है आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं, शैडो वगैरह एंड सारी चीज़ें आप कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे टेक्स्ट के जो प्रीसेट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे, आप इसको सिंपली यूज कर सकते हो। एंड इस पर सिर्फ और सिर्फ आपको अपना टेक्स्ट डाल देना है, एंड देन आप काफ़ी अच्छे तरीके से इसको यूज कर पाओगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको स्टीकर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको बहुत सारे स्टीकर देखने को मिल जाएंगे एंड एनिमेशन के साथ देखने को मिल जाएंगे, तो आप इसका बड़े आसानी से यूज कर पाओगे एंड काफ़ी सही चीज़ इससे बना सकते हो, तो आप ट्राई कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे आपको इफेक्ट का ऑप्शन जो देखने को मिलेगा, ये काफ़ी सही फीचर है, काफ़ी ज़्यादा यूज होता है रील्स वगैरह में, जैसे कि यहाँ पे इनविजुअल इफेक्ट हो गया, इसका यूज कर सकते हो आप, एंड बहुत सारे आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस, जो इफेक्ट आपको चाहिए आप सिंपली यहाँ से नहीं ऊपर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, एंड इसके स्ट्रेंथ वगैरह को, स्पीड वगैरह को भी आप अपने अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ मैंने इस टाइप से यूज किया एंड काफ़ी सही देखने में लग रहा है। तो गाइस, कुछ इस टाइप से आप इफेक्ट वगैरह का यूज कर सकते हो। एंड गाइस, यहाँ पे आपको हेलो ब्लर वगैरह के फीचर देखने को मिल जाएंगे, जो कि रील्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, तो आप इसका भी यूज कर पाओगे।
तो गाइस नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो है बॉडी इफेक्ट वाला, एंड इसमें काफ़ी सही सही आपको बॉडी इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, एंड इसका AI भी काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर लेता है, काफ़ी सही इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो आप इसका यूज कर सकते हो, बहुत सारे आपको बॉडी इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग जो चाहिए वो लगा सकते हो। एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सही बॉडी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो है फिल्टर्स का, इस पर आपको बहुत सारे फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे, तो आप अपने वीडियो को अकॉर्डिंग लगा सकते हो। एंड फिल्टर के साथ साथ यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट टूल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप HSL वगैरह, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहते हो अपने वीडियोज़ के अकॉर्डिंग, तो आप कर सकते हो। गाइस जो हमारा नेक्स्ट फीचर है उससे आप अपनी वीडियोस को स्टेबल कर सकते हो, जब हम शूट करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत शेक इफेक्ट आ जाता है, तो उस कंडीशन अपने वीडियोस को स्टेबलाइज करने के इस फीचर का यूज़ कर सकते हो। तो जैसा आपका वीडियो रहे उस टाइप से इस पर 3 स्टेप देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको मिनिमल कट या फिर रिकमेंडेड, एंड यहाँ पर आपको मोस्ट सूटेबल का ऑप्शन देखने को मिले, तो जैसा आपका वीडियो है उस अकॉर्डिंग से इसको अप्लाई कर सकते हो। तो देख सकते हैं हमारा जो वीडियो है काफ़ी हद तक स्टेबल भी हो चुका है, तो कुछ इस तरीके से आप जो है स्टेबल वाला भी फीचर यूज कर सकते हो। गाइस जो हमारा नेक्स्ट फीचर है जिसमें आप अपनी वीडियोस की स्पीड वगैरह जो है वो एडजस्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको नॉर्मल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पूरी वीडियोस पे आप स्पीड मतलब एडजस्टमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे कर्व वाला फीचर भी देखने को मिल जाएगा, ये फीचर काफ़ी सही है, इसमें आपको प्रीसेट भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे मोंटेज वगैरह के हो गया, तो इस तरीके से आप मोंटेज वगैरह का डायरेक्टली यूज कर सकते हो एंड अपनी वीडियोस को काफ़ी सही बना सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी पॉइंट देखने को मिलेंगे इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, एंड साथ ही साथ इसमें पॉइंट जो है वो ऐड भी कर सकते हो या फिर रिमूव भी कर सकते हो, तो जैसा आप मोंटेज बनाना चाहो वैसा आप बना सकते हो। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे आपको स्मूथ स्लोमो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको फ्रेम ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आप जनरेट तो जल्दी हो जाएगा बट उतना स्मूथ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन नीचे आपको ऑप्टिकल फ्लो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप अगर यूज करेंगे तो आपकी जो वीडियो है एकदम स्मूथ हो जाएगी, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, एंड इससे काफ़ी सही वीडियो निकल के आता है। एंड गाइस यहाँ पे आपको की फ्रेमिंग का फीचर भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपको कोई भी जूम इफेक्ट डालना है तो यहाँ पे जहाँ से आपको जूम इन करना है तो वहाँ पे एक पॉइंट आउट कर लेना है, देन आपको जहाँ तक जूम इन करना है आपको वहाँ पे सेकंड पॉइंट आउट कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से हमारी जो इफेक्ट है देखने को मिल जाएगी, और इसके साथ साथ यहाँ पे हम जूम आउट इफेक्ट डालेंगे तो यहाँ पे हम फिर पॉइंट आउट करेंगे, और जहाँ तक हमको जूम आउट करना है तो वहाँ पे पॉइंट आउट करके स्केल को 100 पे कर देंगे, मतलब कि जो हमारा वीडियो पहले था वैसा ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से जूम इन जूम आउट इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो काफ़ी यूजफुल इफेक्ट है, इसको आपको यूज कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग मोड भी देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप अपनी वीडियोज़ की क्वालिटी मल्टीप्लाई ये सब आप ओवरले पे कर सकते हो। एंड तो गाइस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, आपको अपनी फाइल का टाइटल वगैरह को सिलेक्ट कर लेना है, फाइल की लोकेशन सेलेक्ट कर लिए जहाँ पे आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एंड रेजोल्यूशन जो आपका वीडियो का रहने वाला है, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे आपको बिटरेट हायर पे रखना है, जिससे आपका वीडियो की क्वालिटी जो रहेगी काफ़ी सही आएगी देखने में। एंड तो गाइस यहाँ पे मैं कस्टमाइज यहाँ पे 30,000 चूज करता हूँ, देन आपको स्पोर्ट पे क्लिक कर देना। तो गाइस उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी, यार वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।